Hello everyone, welcome on my YouTube channel Academic Hub. Today I am going to explain a topic from civics class 7th, and that is the emergence of democracy. In this chapter we will discuss some topics as the meaning of democracy, the rise of law and the nation state, the American Revolution, the French Revolution, and women's suffragette movement, and at last decolonization. So let's start this topic from here. What is democracy? Democracy derived from the two Greek words demos and kratos. Demos means the people, and the meaning of kratos is power. इसमें आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसमें दो वर्ड्स हैं, डेमोस और क्रेटोस. डेमोस का मतलब होता है द प्यूपिल, मतलब लोगों से है डेमोस का मतलब, और क्रेटोस का मतलब है पावर. मतलब इसका लिटरेरी अगर हम मीनिंग देखें तो लोगों की शक्ति, विच मीन्स द पीपल हु डिसाइड द इंस्टीट्यूशन एंड द लॉ एंड रेगुलेशन विच विल गवर्न देम एंड देयर लैंड. इसमें लोग डिसाइड करते हैं कि उनका जो स्वामी है, मतलब जो उन पर शासन करने वाला है, वो कैसा होना चाहिए, या उनकी ऊपर और उनकी जमीन के ऊपर जो शासन करेगा वो अपनी मर्जी से उसे चुनते हैं. जैसा कि आपने सभी ने पढ़ा होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा था द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जो डेमोक्रेसी है वो लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों पर शासन है. तो ये आपका हो गया डेमोक्रेसी का मीनिंग. अब आप देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अब इसमें हम नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसी में, द राइज ऑफ लॉ एंड नेशन स्टेट. द सीड्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वर शोन इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एजेस. फेडरलिज्म और डोमिनेंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेल्ड इन मेडिवल यूरोप बिटवीन द 5th एंड 14th सेंचुरीज. द सोसाइटी वर डिवाइडेड इन टू दोज हु फॉट, दोज हु प्रेड एंड दोज हु लेबर्ड. इन अ फेडरल सोसाइटी पीजेंट्स और वर्कर्स नोन एज वेसल्स रिसीव लैंड इन रिटर्न फ्रॉम सर्विंग अ लॉर्ड और किंग. स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर वेसल्स वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेरियस मिलिट्री ड्यूटीज इन एक्सचेंज फॉर द लैंड. हाउएवर विद द एंड ऑफ फेडरलिज्म पीपल बिकेम मोर अवेयर ऑफ देयर रेस एंड कल्चर एंड स्टार्टेड टू यूनाइट गिविंग राइज टू अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. तो इसमें हम देखेंगे कि जो यूरोप था, यूरोप में मध्यकालीन युग में ये फेडरलिज्म पूरी तरह से फैला हुआ था. उस समय में क्या होता था कि ये जैसे आप इन अ फेडरल सोसाइटी पीजेंट्स वर्कर्स नोन एज वेसल्स, जो पीजेंट्स होते थे वो वेसल्स के रूप में जाने जाते थे, मतलब जागीरदार जिन्हें कहा जाता था. तो उन जो कि रिसीव करते थे लैंड को, लैंड उन्हें दे दी जाती थी राजा की सेवा करने के बदले में, उनको कुछ जमीन का हिस्सा दे दिया जाता था, और स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा उनकी सेवा करनी होती थी. स्पेशली कब करनी होती थी, जब कोई युद्ध के समय में उन्हें सेना की बागडोर पूरी संभालनी होती थी. तो जो पीजेंट्स होते थे उनको मिलिट्री ड्यूटीज भी दी जाती थी, किसके बदले में, एक्सचेंज फॉर द लैंड, लैंड के बदले में उनको लैंड दिया जाता था, और उसके बदले में उन्हें बहुत सारे काम करने होते थे. हाउएवर विद द एंड ऑफ फेडरलिज्म पीपल बिकेम मोर अवेयर ऑफ देयर रेस. लेकिन ये धीरे फेडरलिज्म का अंत होता चला गया, और फेडरलिज्म के अंत के साथ लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए थे, वो अपने स्वतंत्रता को लेकर और एकजुट हो गए थे वो, और उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी थी. अब आप देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन. द ड्यूरेशन ऑफ द रेवोल्यूशन
वॉज 1765 टू 1783। इसकी जो ड्यूरेशन थी ये थी 1765 से 1783। इस बीच में ये रिवॉल्यूशन हुआ था। ड्यूरिंग 1500 टू 1600 यूरोपियन सेटलमेंट्स स्टार्टेड इन अमेरिका। अराउंड 1700 इंग्लिश ड्रॉप फ्रांस आउट ऑफ अमेरिका। 1500 से 1600 के दौरान यूरोपियन सेटलमेंट्स हुए, मतलब उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को अमेरिका से निकाल दिया गया, उसमें फ्रांस भी थे, फ्रांस को भी निकाल दिया गया, मतलब 1700 लोगों को 1700 लोगों को वहां से हटा दिया गया और केवल उसमें कौन बचे थे, इंग्लिश लोग बचे हुए थे उस समय, ब्रिटेन के लोग जो राज करना चाहते थे अमेरिका के ऊपर वही बचे थे, बाकी सबको उन्होंने वहां से भगा दिया था। अराउंड 1750 इंग्लिश एस्टेब्लिश 13 कॉलोनीज इन अमेरिका। 1750 तक जो इंग्लिश थे उन लोगों ने 13 कॉलोनीज बना ली थी अमेरिका के अंदर। द लैंड वॉज, और इसके जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था उसके जो रीजंस थे वो मेनली क्या रहे थे, द लैंड वॉज ओन्ड बाय इंग्लिश एरिस्टोक्रेट्स। जो भी जमीन थी उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था इंग्लिश लोगों ने। एंड पीपल कांट स्टार्ट मेजर इंडस्ट्री सच एज आयरन टेक्सटाइल, और जो लोग थे वो अपनी मर्जी से वहां पर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते थे, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल, किसी भी तरह की वो खुद नहीं कर सकते थे। एंड दे कैन एक्सपोर्ट सुगर कॉटन टैबाको ओनली टू ब्रिटेन, और अगर वो कोई भी माल सप्लाई करना चाहते थे, एक्सपोर्ट करना चाहते थे लाइक सुगर कॉटन टैबाको, तो वो क्या करते थे, केवल ब्रिटेन में ही कर सकते थे, इसके अलावा उन्हें कहीं अनुमति नहीं थी करने की। तो इससे जो था उनकी अर्निंग वो कम होती चली जा रही थी, वो ना उन्हें खुद से पैसा कमा पा रहे थे और ना ही वो एक्सपोर्ट करने के माध्यम से कमा पा रहे थे। तो दे कैन यूज ओनली ब्रिटिश शिप्स फॉर ट्रेड, दे कैन ओनली यूज ब्रिटिश शिप्स, और व्यापार के लिए उन्हें केवल ब्रिटिश शिप का ही यूज करना होता था, वो कोई और शिप यूज नहीं कर पाते थे। ऑन द अदर हैंड स्टैम्प एक्ट 1765 वॉज इम्पोज्ड बाय द इंग्लिश। उसके बाद उन्होंने एक और एक्ट लगा दिया 1765 में जिसे स्टैम्प एक्ट के नाम से जाना गया। इसमें क्या होता था, एक तो वो ना कहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर पा रहे थे और ना ही वो अपनी जमीन से पैसा कमा पा रहे थे, ना ही कोई इंडस्ट्रीज खोल पा रहे थे, और दूसरी तरफ क्या हो गया कि उन्हें कर और देना था, इस पर टैक्स और देना पड़ गया स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत, तो वो इसके बहुत खिलाफ हुए लोग। आफ्टर इट एन असेंबली हेल्ड अगेंस्ट दिस एक्ट, उसके बाद एक असेंबली हुई इस एक्ट के विरुद्ध में, इसका एक विरोध किया गया बहुत ज्यादा और एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई, उसमें था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उनका ये इसमें नारा था कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगेन ब्रिटेन एक्सपोज, फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ने उन्हें, फिर जो ब्रिटेन थी उन्होंने जो इस टैक्स को खत्म करना पड़ा, उन्हें लोग बहुत ज्यादा विरोध करने लग गए। अगेन ब्रिटेन इम्पोज अ न्यू टैक्स, उसके बाद एक न्यू टैक्स आ गया ऑन टी, चाय पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। और उसके बाद ये इंसिडेंट जो थी वो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी गई 1773 में, जिसमें लोगों ने इसका विरोध कर दिया था और सारी चाय को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था, बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में समुद्र में फेंक दिया उन्होंने सारी चाय, इसका विरोध किया उन्होंने इस टैक्स का। इन द एंड अमेरिका एडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1785। उसके बाद क्या हुआ, 1785 में अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दिस वॉज फर्स्ट रिटन रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड में सबसे पहला रिटन रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन था। अब नेक्स्ट है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन द 10 ईयर पीरियड फ्रॉम 1789 टू 1799, ड्यूरिंग विच
France went from a monarchy ruled by King Louis to a republic ruled by the people and then to the dictatorship run by Napoleon was one of the bloodiest time in European history. ये 10 साल का पीरियड था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का, 1789 से लेकर 1799 की ड्यूरेशन में हुआ. इसमें जो किंग लुईस थे वो उन्होंने शासन किया था. और फिर क्या हुआ, और डिक्टेटरशिप के रूप में उन्होंने नेपोलियन ने शासन को संभाला. इसमें था फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट्स, इसमें तीन स्टेट में डिवाइड हो गया था फ्रांस. द फर्स्ट स्टेट कंप्राइज द प्रीस्टली क्लास ऑफ द क्लर्जी एंड सेकेंड स्टेट कंप्राइज ऑफ द नोबिलिटी एंड द थर्ड क्लास इंक्लूडेड द कॉमन पीपल. इसमें जो पहले स्टेट था वो था प्रीस्ट लोग जो होते थे या क्लर्जी लोग होते थे जो चर्च में काम करने वाले है ना, पादरी लोग जिन्हें बोलते हैं. द सेकेंड स्टेट और जो सेकेंड थे वो सेकेंड स्टेट में जो आते थे आपके नोबिलिटी, और उसके बाद थर्ड स्टेज में आपके जो कॉमन पीपल आते थे है ना. तो ये तीनों स्टेट में थे. द फर्स्ट टू क्लासेस वर गिवन अ रॉयल ट्रीटमेंट एंड एंजॉयड ऑल द प्रिविलेजेस. और जो पहले की दोनों क्लासेस थी वो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स रिलेटेड थी, मतलब उनसे थर्ड क्लास वाले को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. व्हाइल द थर्ड स्टेट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द लग्जरीज अवेल बाय द फर्स्ट टू क्लासेस. ऑन 17 जून 1789 द थर्ड स्टेट रिवोल्यूटेड अगेंस्ट द फर्स्ट टू स्टेट. उसके बाद क्या हुआ कि 1789 में 17 जून को जो थर्ड क्लास के पीपल थे उन्होंने अपने अधिकार के खिलाफ, मतलब अपना अधिकार मांगने के लिए एक रेवोल्यूशन कर दिया जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. क्योंकि उनको उतना अधिकार नहीं मिल पा रहा था, वो प्रताड़ित किए जाते थे सबसे ज्यादा. थर्ड क्लास के लोग किसी भी उसमें पीछे रह जाते थे वो हर चीज में. तो ये हो गया. एंड द फर्स्ट वे इन नेशनल असेंबली दे रिवोल्टेड अंडर द स्लोगन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. और उन्होंने इस स्लोगन को अपनाया और विद्रोह कर दिया, लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी और बराबरी का हिस्सा चाहिए था. वुमेन सफ्रजेट मूवमेंट, वुमेन सफ्रज मीन्स स्ट्रगल फॉर द राइट टू वोट. इवन दो मोस्ट ऑफ द नेशन सपोर्टेड डेमोक्रेसी, वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट और पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. दीज वर मूवमेंट्स दैट एडवोकेटेड वुमेन्स राइट टू वोट. ये जो मूवमेंट था सफ्रेज मूवमेंट, इसमें क्या हुआ कि जो लेडीज थी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था. तो इसमें उन्होंने इस चीज की मांग की कि लेडीज को भी वोट देने का बराबर का अधिकार होना चाहिए. नेक्स्ट है आपका डिकॉलोनाइजेशन. आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड इन 1945 सिविल राइट मूवमेंट टुक प्लेस इन मैनी कंट्रीज. डिकॉलोनाइजेशन बिगेन इन मैनी कॉलोनीज इन एशिया. मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद के लास्ट में, बिल्कुल 1945 में ये इस तरह का सिविल राइट मूवमेंट उठाया गया कई कंट्रीज में, जिसमें क्या था कि डिकॉलोनाइजेशन ऑफ मैनी इज लाइक एशिया अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका गेन्ड इंडिपेंडेंस. ये इतनी कंट्रीज में स्वतंत्र हो चुकी थी. इंडिया ऑल्सो गॉट इट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड इन 1947. और 1947 में इंडिया को भी स्वतंत्रता मिल चुकी थी. द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1948 इन पेरिस फ्रांस.
और जो इंडिया कहाँ गया सॉरी इंडिया ऑल्सो गेट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो हुआ ह्यूमन राइट्स का वो यूनाइटेड नेशंस से लिया गया 10 दिसंबर 1948 को पेरिस और फ्रांस में। सो नाउ योर चैप्टर हैज फिनिश्ड एंड होप आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।